जो बीजेपी के वो सो कॉल्ड लीडर्स जिनको बीजेपी ने डिसमिस किया और तंजीम से खारिज कर दिया, कितनी बदकिस्मती की बात है उनको तब याद आया एक्शन लेना जब फॉरेन कंट्रीज ने कंडेमनेशंस इशू किए, जब उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नौज़ु बिल्लाह जो नाशाइस्ता अल्फाज इन दोनों बेवकूफों ने जो बकवास करी हुई थी, लेकिन तब तक कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं ली गई। कितने अफसोस की बात है, जिस मुल्क में करोड़ों मुसलमान रहते हैं उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल किसी को नहीं था तब तक जब तक फॉरेन प्रेशर नहीं बढ़ा। इससे बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है? जिन दो लोगों के खिलाफ आपको केसेस करने चाहिए थे, जिनको आपको जेल में फेंक देना चाहिए था, उनको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तरफ से कहते हैं ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं और दूसरी तरफ से उनको आप सेफ रख रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके स्टार बढ़ा रहे हैं। हम तो यहां डर डर के एक ट्वीट लिखते हैं, डर डर के कोई बात कहते हैं कि कहीं से पीएसए ना हो जाए, यूएपीए ना हो जाए। इन्होंने तो कैसी कैसी बातें कही हैं, इनके खिलाफ नहीं किए आपने पीएसए और यूएपीए, इन्होंने तो इतना मुल्क का माहौल खराब कर दिया, इंटरनेशनली नाम खराब कर दिया। यहां इंसान को उम्मीद भी रखनी है कि इंसाफ होगा सबके साथ या नहीं रखनी है? जो बीजेपी के वो सो कॉल्ड लीडर्स जिनको बीजेपी ने डिसमिस किया और तंजीम से खारिज कर दिया, कितनी बदकिस्मती की बात है उनको तब याद आया एक्शन लेना जब फॉरेन कंट्रीज ने कंडेमनेशंस इशू किए, जब उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नौज़ु बिल्लाह जो नाशाइस्ता अल्फाज इन दोनों बेवकूफों ने जो बकवास करी हुई थी, लेकिन तब तक कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं ली गई। कितने अफसोस की बात है, जिस मुल्क में करोड़ों मुसलमान रहते हैं उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल किसी को नहीं था तब तक जब तक फॉरेन प्रेशर नहीं बढ़ा। इससे बड़े